दिखाई दे रही ये तस्वीरें हिमाचल की हैं, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, तो वहीं लोगों के मन में बीते साल की आपदा की भयानक यादें फिर से ताजा हो गई हैं। जी हां, पिछले दिनों बादल फटने और बाढ़ जैसी आपदा की घटनाओं के बाद एक बार फिर से प्रदेश में खतरे की घंटी बज रही है। अभी भी हिमाचल में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, शिमला, मंडी, चंबा, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान नदी नालों के उफान पर रहने की संभावना भी जताई गई है। इधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी पल पल मौसम का रंग बदलता नजर आ रहा है। जिले के कई इलाकों में बादलों के साथ धूप भी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जिले में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। इधर दारचा शिंकुला सड़क मार्ग पर पिछले 5 दिनों से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। वहीं म्याड़ घाटी के करपट नाले में लगातार पानी का बहाव तेज होने से सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाया है, जिससे 2 पंचायतों के लोगों को अपनी नकदी फसलों को मंडियों में पहुंचाने की चिंता सताने लगी है। सूर्य समाचार के लिए धर्मशाला से पंकज और लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट।